हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज सर वेलकमिंग यू ऑल इन माय चैनल हैशटैग पीएस गुरु। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइडल सोलेनोइड। अभी टोराइड क्या होता है? ऐसा सोलेनोइड जिसमें एंड ना हो, तो क्या कह सकते हो आप, एंडलेस सोलेनोइड इज कॉल्ड टोराइड। जैसे देखो ये, इसमें कोई भी एंड नहीं है, एक सर्कल बना हुआ है, तो इसे ही बोलोगे क्या आप टोराइड बोलोगे। ऐसा सोलेनोइड जिसमें क्या हो, एंड ना हो, उसे बोलोगे आप क्या, सिंपल सा एंडलेस सोलेनोइड बोलोगे आप टोराइड। तो हमको अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। जब हमने इसके दो पार्ट को मैंने जोड़ दिया किसी आउट सोर्स से और करंट दे दिया, तो करंट जो है इन सारे हेलिक्स में ऊपर की ओर आएगी नीचे जाएगी, ऊपर आएगी नीचे जाएगी, मतलब ऊपर करंट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, अंदर जाके करंट एंट्री कर जा रही है। तो देखो मैंने फिगर बनाया हुआ है, ये करंट क्या हो रही है, हर जगह बाहर आ रही है, आई और चली गई, आई और चली गई। मतलब अब इसी को हमने डॉट क्रॉस में दिखाना हमको हो, कैसे दिखाएंगे, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ डॉट दिखाया, ये करंट यहाँ से आई बाहर पे निकली, मतलब आउट निकली, अब फिर ये अंदर चली गई, निकल रही जा रही है, देखो ये। तो यहाँ पे डॉट जो है आपको बता रहा है क्या, बेसिकली बाहर की ओर मतलब आउटवर्ड, और क्रॉस क्या बता रहा है, बेसिकली इनवर्ड, करंट निकल रही है जा रही है, निकल रही जा रही है, यही हो रही है। अब हमको पता करनी है मैग्नेटिक फील्ड इस टोराइडल सोलेनोइड से कहाँ कहाँ पता करनी है। पता आपको एक बार इसके बिल्कुल बीच में ये जो खाली इसको दिख रहा है ना, मतलब यहाँ पर कहीं, दूसरी बार इस पूरे इनके बीच में, मतलब यहाँ पर कहीं दोनों सर्कल के बीच में, और तीसरी बार इसके बाहर, ये जो आप सोलेनोइड दिख रहा है इसके पूरी बाहर, मतलब कहीं कहीं यहाँ पर। आपको तीन जगह पर पता करना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है इस सोलेनोइड से। बहुत सिंपल सा, ध्यान दोगे आपको आ जाएगा। तो हम पहले पता करेंगे कहाँ पर, इसके यहाँ पर ग्रीन के अंदर, मतलब कहीं इसके अंदर कहीं पर पता करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं एक पॉइंट पी मान लेते हैं, चलो हमने हमें मान लेते हैं यहाँ निकालना है, नेट दिस पॉइंट विल बी पी। अब जहां पर निकालना है वहां क्या ड्रा कर लो, एम्पिरियल लूप ड्रा कर लो। तो आप क्या करो यहाँ पर, एम्पिरियल लूप ड्रा करो, यहाँ पर क्या करो आप, एक एम्पिरियल लूप ड्रा कर लो, ऐसे ऐसे एम्पिरियल लूप ड्रा कर लो। इस पॉइंट पे हमने एक एम्पिरियल लूप ड्रा कर दिया, देखो यह रहा इसका सेंटर ओ। अब इसका रेडियस यहाँ जो है मैंने दे दिया क्या, मैंने लेट सपोज दिस रेडियस विल बी आर वन, ये आर वन रेडियस है। तो इस पॉइंट निकालना है, तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, ध्यान दोगे आपको बिल्कुल आ जाएगा। देखो यहाँ पर तो इसका नाम क्या है हमारा, फॉर पॉइंट्स इन द ओपन स्पेस इंटीरियर ऑफ टोराइड, टोराइड के ओपन स्पेस में हमें अंदर की ओर हमें निकालना है। वो पॉइंट क्या था, पॉइंट पी था। ध्यान देता है हमें कुछ करना कुछ नहीं है, तो पहले आप पी डॉट डी एल लगा दो, क्या लगा दो, बी डॉट डी एल। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इसको टू क्या जाएगा तुम्हारा, ये ध्यान जाए तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बी डॉट डी एल और क्या, कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ बात आती है थीटा कितना होगा, इसको बी कॉन्स्टेंट है, सबसे बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल और कॉस कितना, कॉस जीरो, कॉस जीरो क्यों होगा, फिगर में हम देखा आई देखते हैं। वैसे जो थीटा जो है बी और डी एल के बीच का एंगल है, इसके किसी भी पार्ट पे आप क्या कर लो, इस सर्कल का कोई भी एक डीएल ले लो, ये छोटा सा पार्ट डीएल है, डीएल इधर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये डीएल हो गया छोटा पार्ट है, ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, देखो सेम दोनों है, तो डीएल क्या हो गया, जीरो हो गया, सॉरी थीटा कितना हो गया, जीरो हो गया। तो अब क्या करोगे आप यहाँ से, कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है, तो आपका क्या आएगा ये बी, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या आएगा, एल आता है। अब ये बताओ आप, यदि इस स्फीयर का रेडियस आर वन है, तो डीएल डीएल मिल क्या हो जाएगा, इसका सर्कमफेरेंस बन जाएगा, तो टू पाई आर वन क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसका टू पाई आर वन बन जाएगा, यानी कि इसको हम क्या लिखते हैं, बी इंटू वॉट, टू पाई आर वन, ये फर्स्ट है मान लो आप, बी इंटू टू पाई आर वन। अब अकॉर्डिंग टू ए सी एल एम्पियर रूल लॉ, अकॉर्डिंग टू वॉट ए सी एल एम्पियर रूल लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल क्या होता है, उनके साथ क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स आई टोटल फ्लोइंग फ्रॉम द एम्पिरियल लूप या गिवन क्लोज सर्किट। तब यही हम समझना हमको है कितना आई टोटल कितना होगा, आई देखते हैं, ध्यान देने की बात है। ये देखो जो भी करंट है, ये क्रॉस जो है ये भी बाहर है, डॉट जो है ये बाहर है, इस एम्पिरियल लूप के दोनों बाहर है, या फिर इस फिगर समझ आया, फिगर से जो भी करंट है कहाँ है, यहां निकल अंदर जा रही, इसमें कोई फिगर करंट है ही नहीं, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है बिल्कुल, यहाँ कोई करंट है ही नहीं, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आई टोटल हो गया म्यू नॉट इंटू जीरो इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, उस नंबर क्या हो गया, ये टू हो गया।
फ्रॉम वन एंड टू देखो आप, यदि फ्रॉम वन एंड टू देखा जाए तो फ्रॉम वन एंड टू ऊपर बी डॉट डीएल, नीचे बी डॉट डीएल है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बी इंटू टू पाई आर वन इजक्वल टू क्यू जीरो, ये बी कितना आएगा जीरो आएगा। तो पहली बात तो ये हो गई कि सोलनॉइड के इंटीग्रल स्पेस में अंदर करंट मैग्नेटिक फील्ड कितनी है जीरो हो गई। अब मेरा मेन मोटो अगला पॉइंट जो रहेगा वो ये रहेगा, मैंने पहले कहा था कि अब मेरे पास जो पॉइंट है वो कहाँ रहेगा, कहीं यहाँ पर सीधे इस सोलनॉइड के बाहर, इस टोरॉइड के बाहर कहीं यहाँ पर। तो आप क्या करो, आप कहीं से बाहर दूसरा पॉइंट ले लो, लेट सपोज दिस पॉइंट विल बी, हमने कोई पॉइंट ले लेते हैं एस ले लेते हैं, चलो देखते हैं मैंने क्या कर दिया, कहीं पर भी एक पॉइंट एस ले लिया, मान लो मैं यहाँ से लेके यहाँ ले रहा हूँ, ये मेरे पास पॉइंट एस है। तो आप क्या करो, पहले यहाँ पर एक एम्पीरियल लूप ड्रा कर दो, जैसे पीछे क्या हुआ एक एम्पीरियल लूप ड्रा कर दो यहाँ पर, तो आपने एम्पीरियल लूप ड्रा कर दिया ऐसे, एक एम्पीरियल लूप बिल्कुल छेद ड्रा कर दो, देखो बहुत सिंपल हो जाएगा। अब मान लो इसका रेडियस कितना है आर टू है, कितना रेडियस है आर टू है, यहाँ पर भी वैसे आप एंगल निकालो बी डॉट डीएल करके, तो मान लो इसका ये बी एल है डी एल है, मैग्नेटिक फील्ड की दर की ओर की होगी, इसके डायरेक्शन दर की होगी, ये तो भी हो गया, दोनों के यहाँ दूसरे के हैं पैरेलल, देखो ये भी ये पैरेलल, थीटा कितना होगा यहाँ पर जीरो डिग्री होगा। तो अब हमको कहाँ निकालना है, एक्सटीरियर पर निकालना है, एस पर निकालना है। अब देखो मेरा अगला पॉइंट क्या है, फॉर पॉइंट इन द ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू द टोरॉइड, यहाँ पर भी जो बी डॉट डी एल था पहले तरह बिल्कुल सेम यहाँ काउंटर लगेगा, तो यहाँ क्या लगेगा तुम्हारा, यहाँ देखा जाएगा तो बिल्कुल सेम लगेगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, वही बी डॉट डी एल तब लगाओगे कॉस जीरो करके वही सेम, क्योंकि आपका आएगा बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, और डी एल क्या होता है बी और एल। अब यहाँ पर जो है इसके लिए रेडियस आर टू मैंने लिया हुआ है, तो क्या जाएगा टू पाई आर टू जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बी इंटू वॉट टू पाई आर टू जाएगा, यह आपका हो जाएगा क्या प्रश्न नंबर फर्स्ट, मान लो इसको बी इंटू टू पाई आर टू। अब देखो यहाँ लगाओ ए सी एल लगाओ, अकॉर्डिंग टू ए सी एल अकॉर्डिंग टू एम पी एस कंट्रोल लॉ उन्होंने क्या कहा था, बी डॉट डी एल जो होता है वो क्या होता है म्यू नॉट टाइम्स आई टोटल। अब यहाँ करंट कब है, लेकिन कैसे करंट है तो ध्यान देना है फिगर को हमको, तो ध्यान देना फिगर को, यदि इस लूप को देखा जाए एम्पीरियल लूप को देखा जाए इस वाले लूप को, तो इसके अंदर क्या है, ये करंट बाहर निकल रही है, ये करंट खत्म हो रही है अंदर जा रही है, जो करंट निकल रही है वही करंट खत्म हो रही है, तो टोटल करंट कम सम क्या हुआ, टोटल करंट कितना हुआ जीरो होगा। जीरो क्यों होगा भाई, यदि हम क्या करें, जो करंट बाहर आ रही है उसको पॉजिटिव ले लें, जो करंट बाहर आ रही है उसको क्या लें, मान लो ये करंट बाहर आ रही है हमने इसको आई ले लिया प्लस में, ये करंट जा रही है खत्म हो रही है हमने इसको माइनस ले लिया, तो जितने डॉट उतने क्रॉस हैं तो इनका सम क्या होगा जीरो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या जाएगा मैडम इस बार म्यू नॉट इंटू वॉट आई, मान लो आप ये कह रहे हो आप क्या है आई प्लस ले लो और दूसरा आई माइनस ले लो, ये प्लस माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि एक करंट बाहर निकल रही दूसरे अंदर जा रही है, तो अब कितना आ गया ये म्यू नॉट इंटू जीरो, कितना आएगा जीरो आएगा, क्वेश्चन नंबर टू हो गया। फ्रॉम वन टू फिर से देखो आप, फिर से फ्रॉम वन टू देखा जाए किससे, फ्रॉम वन एंड टू तो हम फिर पाएंगे कि बी इंटू टू पाई आर टू इक्वल टू क्या जीरो, बी कितना आएगा जीरो। तो देखो चाहे इंटीरियर स्पेस में फ्री स्पेस में रहा चाहे एक्सटीरियर फ्री स्पेस में रहा, हमने देखा क्या कि कितनी आ रही है मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी कहाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी अब वो मेरी जो कहाँ आने वाली है तो वो यहाँ आने वाली है। अब हम पता करेंगे इसके बीच में नहीं पर जैसे ये मैं फिगर था तो ये स्पेयर दिख रहा गैप में उनके बीच मतलब कहीं यहाँ निकालेंगे हम लोग, तो हमको अब हमको कहाँ निकालना है, अब हमको कहीं यहाँ निकालना है जहाँ मैं बना रहा हूँ ये, लेट दिस पॉइंट विल बी, अब आप यहाँ पर एक एम्पीरियल लूप ड्रा कर दो इस यहाँ पर, देखो ये अपने क्या कर दिया एक एम्पीरियल लूप ड्रा कर दिया, इस पॉइंट निकालना है, लेट दिस का नाम दे दो आप क्या, आपने दे दिया पी, आपने एन दे दिया है, यहाँ दे दो आप आर दे दो, और मान लो इसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, क्या है स्मॉल आर है, तो हमको आपको पता करना है यहाँ पर इसका नाम होगा, इस पॉइंट का नाम होगा इस बार क्या, फॉर पॉइंट फॉर द पॉइंट इन साइड टोराइड, टोराइड के अंदर हम पता करने वाले हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड पता करने वाले हैं, ठीक है। तो सब कुछ सेम रहेगा, पहला कॉन्सेप्ट सेम रहेगा बी डॉट डी एल वो बदलने वाला नहीं रहा, तो जो वो है बी डॉट डी एल आपको तो बदलना ही नहीं है, बिल्कुल एंगल हर जगह जीरो होगा ही होगा,
तो आपका ये बी और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, और डीएल यहाँ कितना आएगा 2 पाई आर आएगा, तो मैंने रेडियस क्या लिया है आर लिया है, तो बी इंटू 2 पाई आर, ये फर्स्ट सेक्शन मान लो। अब देखो दिक्कत कहाँ इसमें आने वाली है हम लोग को, इतनी जब हम यहाँ लगाएंगे क्या लगाएंगे एम्पिरियल लूप लगाएंगे, ठीक है, तो देखेंगे क्या हम लोग फिर से अकॉर्डिंग टू ए सी एल एम्पिरियल लॉ क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल जो होता है इनके हिसाब से वो क्या होता है म्यू नॉट टाइम्स आई टोटल, आई क्या टोटल। अब देखो इसके अंदर कैंड आ रही पक्का कैंड आ रही इसके अंदर, ध्यान दो ये जो एम्पिरियल लूप है तीसरा वाला इसके अंदर कौन सी कैंड है, ये क्रॉस कैंड दिख रही है, अगर हमें माइनस नहीं लेना है क्योंकि इस करंट जो है स्केलर क्वांटिटी नहीं है, हाँ बाहर भी था तो जो आ रही वही जा रही थी, टोटल जीरो जा रहा था, यहाँ क्या है अब आई करंट डी ए हो तो वही करंट तो अंदर है वो आठ वही करंट जा रही है, कितनी करंट है आई है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप यहाँ पर इस बार बी डॉट टी एल में आप लिखोगे म्यू नॉट इंटू वॉट आई, ठीक है, ये मान लो क्वेश्चन नंबर अभी टू मान लो, इसको इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल करके क्वेश्चन नंबर टू मान लो। अब ये बताओ यदि इसमें एक टर्न था तो ये एक टर्न निकली है, मान लो मेरे पास इसमें कितने हैं कैपिटल एन टर्न है, कितने टर्न है कैपिटल एन टर्न है, तो क्या होगा फॉर कैपिटल एन टर्न, फॉर एन टर्न, एन टर्न में निकालोगे तो क्या ये बी डॉट डी एल जो आप निकालने वाले हो इसी में एन से मल्टीप्लाई आएगा, क्या होगा एन से मल्टीप्लाई आएगा, एक सेकंड थर्ड मांगा, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड से फ्रॉम वन एंड थर्ड, फ्रॉम वन एंड थर्ड देखो तो कहाँ से फ्रॉम वन एंड थर्ड देखो तो यहाँ क्या है बी इंटू टू पाई आर इक्वल टू वॉट म्यू नॉट आई इंटू एन, निकालना मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या करो आप बी को ही छोड़ दो टू पाई आर उधर ले जाओ, तो बी को तो क्या आएगा म्यू नॉट एन आई अपान में टू पाई आर। अब ध्यान देने की बात यह है एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पर हमने लिया स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो एन यहाँ से क्या होगा कैपिटल एन कितना होगा यहाँ से एन इंटू एल होगा, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर उठा के तो आपको कितना मिल जाएगा बी इक्वल टू देखो म्यू नॉट एन की वैल्यू कितनी है स्मॉल एन इंटू एल इंटू पाई अपॉन में टू पाई आर। अभी बताओ जो एल है लेंथ कितनी थी, जो लेंथ बनेगी हमारी इसकी अंदर वाले कितनी लेंथ है टू पाई आर अर्थात डिफरेंस होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा जो फाइनली आएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन ये एल जो है इंटू टू पाई आर आई अपान में टू पाई आर टू पाई कट गया तो कितनी लगेगी मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, याद है यही सेम मैग्नेटिक फील्ड किससे आई थी हमारी सेम की सेम मैग्नेटिक फील्ड हमारी किससे आई थी सोलेनोइड से आई थी, तो राइट भी कुछ नहीं है हमने सोलेनोइड को तो क्या किया है बेंड किया है, तो जितनी आपकी सोलेनोइड से मैग्नेटिक फील्ड आती है सेम मैग्नेटिक फील्ड टोराइड से भी आएगी और कितनी होगी म्यू नॉट एन आई, जहां पे एन क्या है स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई क्या है वह अमाउंट ऑफ करंट है टोटल करंट है जो एम्पिरियल लूप में टोटल है वो, म्यू नॉट क्या है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, थैंक यू।